Guys, welcome in. Hello. It's incredibly fragile. Lambo, baap re. Wait. कैसा भी हमारी बुकिंग है नियॉन म्यूजियम के लिए 11 o'clock एंड एज यूजुअल उसके लिए लेट चल रही क्योंकि अब बच चुके हैं 11 तो फटाफट कैब तो बुक कर लिया हम के निकलते हैं एंड वो गाइडेड टूर है तो पता नहीं वो गाइड हमारे लिए रुकेगा कि नहीं। चलो 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 हम चल रहे हैं ठीक है। सोमेन शॉप से निकालना जरूरी है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम वही है ना कि हर जगह डेजिग्नेटेड स्पॉट्स है पिकअप और ड्रॉप के लिए तो वहीं जाना पड़ता है। पब्लिक पार्किंग नहीं है ऐसे सड़क पे स्ट्रीट पार्किंग नहीं है तो कैब वाला जोन और कहीं भी पिकअप या ड्रॉप करना तो यही है या फिर आप पार्किंग खरीदो एंड पार्क इन द गैराज। नियॉन म्यूजियम के लिए निकल रहे हैं वहाँ पे नियॉन लाइट्स जलती हैं ऐसे आउटडोर म्यूजियम है एंड ये व्हील ठीक था अच्छा ड्रोन शॉट मिल गया फ्रॉम द फोन क्योंकि ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है यहाँ पे क्योंकि 10 माइल दूर है एयरपोर्ट से। What does it mean to be happy? Hey guys, welcome in. Hello. Hello. It's only guided tours in the evening. Okay. Right this way, guys. And you were with the bigger party, right? Yep. So. Yeah, जहाँ से तुम्हारे हैं। All right, you guys. Now. We're going to be talking about our lovely little milkman. Now, do we have any Vegas locals here tonight? No? Then I'm going to introduce you to one. His name is Andy Anderson. He is from Las Vegas's Primo Dairy. He's incredibly fragile. So if he were sitting up, he would eventually crumple under his own weight. Now, if you guys would like to see a better view of our lovely skull here, you could go to Google Maps and search the Neon Museum. Huh. Okay. Yes, yeah. आई थिंक अब आप बोल रहे हैं कि भागो यहाँ से हम ये लाइट बंद कर रहे हैं। तो लास्ट गाइड टूटता है इन सब की कुछ कुछ हिस्ट्री है जैसे वो वाले की थी कि लास वेगस का कोई लोकल था एंड ये सारे नियॉन लाइट्स से जल रहे हैं ये सारी कोई एलईडी लाइट्स नहीं है नियॉन लाइट्स हैं तो काफ़ी कूल है बट इतना बड़ा नहीं है म्यूजियम बहुत छोटा ही है। तो आई थिंक हम यहाँ से निकलते हैं एंड दैट्स अबाउट इट। प्लीज़ बताना आपको कैसा लगा ये म्यूज़ियम। इस म्यूज़ियम की टिकट अराउंड $19 की थी तो मतलब ठीक है चल रहा है एक बार वंस इन अ वाइल आया है मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम वाली चीज़ है ऐसे बार बार आने वाली जगह नहीं है इतनी खास। तो यहाँ से निकलते हैं हमारा कल का प्रोग्राम है सुबह सुबह ग्रैंड कैनियन जाने का जो कि एरिज़ोना में और 4.5 घंटे की ड्राइव है तो सुबह 4-4:30 बजे निकलने का प्रोग्राम है तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं एंड गुड नाइट एंड आई विल सी यू इन द मॉर्निंग बाय। उनके बाद में क्या हो रहा है यहाँ पे काफ़ी धुआंधार परफॉर्मेंस। गुड मॉर्निंग गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 5 एंड जा रहे हैं रेंटल कार सेंटर। उससे पहले ये होटल में पार्किंग रिजर्व करनी पड़ेगी एक दिन की जो कि है $18 पर स्पॉट तो क्योंकि आज रात को काफ़ी लेट हो जाएगा तो यहीं पे 2 दिन की गाड़ी बुक करी है आज और कल की तो आज पार्क करनी पड़ेगी तो स्पॉट रिजर्व करके सीधा जाएंगे कार रेंटल सेंटर मैकेरन एयरपोर्ट कार रेंटल सेंटर। एयरपोर्ट पे डायरेक्टली नहीं है कार रेंटल सेंटर अलग जगह पे है तो अगर किसी को एयरपोर्ट से वहाँ जाना हो तो शटल चलती है यहाँ वेगस में तो वहाँ जाते हैं गाड़ी उठाते हैं फिर विल हेड आउट फर्स्ट स्टॉप इज हूवर डैम उसके बाद ग्रैंड कैनियन। Glass half full or empty, man we just putting on the show. Try to look. Finally, rental car center. This is 1 mile away from the airport. यहाँ तो हर जगह खाली पड़ा है कहीं भी कोई एम्प्लॉई नहीं है सिर्फ रेलवे में दिख रहा है। अपने को वेंटर पैसे उठाना लैम्बो बाप रे मज़ा आ गया ये नहीं देंगे हमें तुम्हारी शक्ल देख के बोल देंगे निकलो यहाँ से तुम। मैं बुक करिए कन्वर्टेबल तो प्रोबेबली फोर्ड मस्टैंग ही मिलेगी फिर से एक तो ग्रे कलर की वाइट में कब्जा कर ले मैं कर लिया कब्जा। क्या दिख रहा है बोल रहा है To the heavens to tell us things that we beg to know. Like what did the sun mean? There's no tomorrow. Oh, you know I try to find a purpose in my life to drive me, to guide me. उसी बटन से होगा, उसको दबा के रख पूरा अपना और ये करना पड़ेगा। सब आगे पीछे चलेंगे। अभी आए वॉलमार्ट, यहाँ से पानी वानी लेते हैं फिर से थोड़ा स्नैक्स वगैरह। ग्रैंड कैनियन के आसपास कुछ है नहीं। हाँ ठीक है ना, वो ले लिया उसने, बहुत है। चलो अरे ट्रेल में एक्सप्लोर, चलो चलो अच्छा। बजने सुबह के साथ और धूप देखो, टेम्परेचर हो रहा है 31 डिग्री सेल्सियस, कमाल है। अभी वॉलमार्ट से हो गई सब शॉपिंग वॉपिंग। फर्स्ट स्टॉप इज हूवर डैम, उसके बाद सीधा ग्रैंड कैनियन। बीच में कोई 2-3 डिटूर ले लेंगे खाने पीने के लिए। क्या नहीं मिला इसका, वो क्या नहीं मिला? There's no tomorrow. Oh, you know I try to find a purpose in my life to drive me, to guide me. Oh, doctor, I feel dead inside. अब आगे साउंड तो पता ही लगी रही होगी। I don't know आवाज आ रही है कि नहीं, बहुत तेज लग रही है। पीछे वाले को, पीछे में कोई बैठेगा? अभी यहाँ कोई बैठा नहीं है, पर पीछे वाला नहीं बैठ सकता। सब कुछ हाँ हो गया तुम्हारा। ये डैम है ये जो आ रहा है। ओह नाइस। फाइनली दिस इज़ हूवर डैम एंड ये जो पानी आ रहा है हूवर डैम में, दिस इज़ फ्रॉम कोलोराडो रिवर। तो अभी एक्चुअली जो क्रॉस किया ना, दैट वाज एरिजोना एंड नेवाडा, उसके जस्ट बॉर्डर पे क्रॉस किया। बीच में एक चेक पॉइंट आता जहाँ पे पूछ रहे थे कि हाँ तुम्हारे पास कुछ है तो नहीं, ये नहीं है वो लेके जा रहे, क्योंकि हर स्टेट के लॉज अलग है। तो उसके बाद यहाँ पे हूवर डैम आया, तो इसका पानी आता है कोलोराडो रिवर से एंड दिस इज़ बिल्ड बिटवीन नेवाडा एंड एरिजोना। तो कह सकते हो स्ट्रेट बॉर्डर एंड पैदल चल के स्टेट ऐसे क्रॉस कर सकते हो। मैं अभी एरिजोना में हूँ, फिर मैं नेवाडा में हूँ। एंड ये डैम काफ़ी बड़ा है, वर्ल्ड के टॉप 20 बिगेस्ट डैम्स में से एक है। सारा वेगस में, पूरे नेवाडा में पानी यहीं से इस डैम से आता है। काफ़ी बहुत ही सही व्यू है। एंड ये जो टेरेन दिख रही है, मतलब इसकी ड्राइव भी बहुत सही थी। और हम तो कन्वर्टेबल में आ रहे थे तो मज़ा ही आ गया। हाँ खोलने का ट्यूटोरियल बता देते हैं। वो नहीं, ये अपने नीचे हो जाता है वो। हाँ वो हैंडल तो कर, हैंडल हाँ अनलॉक किया। अब ये बटन दबा के रख बस। हाँ आ जा बाहर। मैंने एक्चुअली रेंट करी हुई है 4 कन्वर्टेबल, तो ये एक ग्रे, एक वाइट एंड 2 ब्लैक। एंड एक में 3 लोग ही बैठे हैं मैक्सिमम, क्योंकि तीसरा बंदा जो पीछे बैठा है बहुत अनकंफर्टेबल है। अगर रूफ को टॉप खिला के चलो तो वैसे ही फ्रीवे पे तो बहुत ही मुश्किल है, हवा इतनी तेज़ लगती है। एंड इवन बंद करके जब चलाओ तो पीछे वाला बंदे को ऐसे ऊपर कैसे लेट के बैठना पड़ता है। 4 घंटों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, इसलिए टोटल हम 9 लोग हैं, उनके लिए 4 गाड़ी करके। एंड इसका रेंट आई थिंक बड़ा है 300 टोटल 2 दिन का, जो कि ठीक है। बाकी व्यू तो बहुत ही सही है, मज़ा ही आ गया है देख के। एंड मैंने अभी यहाँ पे ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है, मैंने जस्ट 30 सेकेंड्स के लिए उड़ा दिया किसी तरह DJI वाला अनलॉक फीचर यूज़ करके। फटाफट यहाँ पे रेंजर वाली कार आ गई कि अरे नीचे होता तो अलाउड नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, सिक्योरिटी आ गई, गुड गेट इन ट्रबल। मैंने कहा ठीक है। तो अभी यहाँ पे हो गया, तो कहीं निकलते हैं कहीं बीच में खाने पीने के लिए। एंड देन उसके बाद यहाँ से टोटल 4 घंटे और हैं ग्रैंड कैनियन की ड्राइव।